नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस डूबती और बिखरती जा रही है। पार्टी के अंदर युवा बनाम बुजुर्ग की जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर झटका दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाते हुए साफ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब पार्टी का नया और स्थायी अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। यहां तक कि कई कांग्रेस तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि इस बार पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से हटकर होना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस में पार्टी के बड़े नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव करने की मांग की है। ये मांग कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने लिखित पत्र के माध्यम से की है। इनमें से 5 पूर्व मुख्यमंत्री, शशि थरूर जैसे सांसद, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम 23 नेताओं ने परोक्ष तौर पर गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। उनके मुताबिक पार्टी प्रमुख में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकता है। बता दें कि CWC की अहम बैठक 24 अगस्त को सुबह 11 बजे होनी है। इसके मद्देनजर वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को यह पत्र लिखा है। 23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली, राज बब्बर, मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित, रेणुका चौधरी, मनीष तिवारी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पत्र में नेताओं ने दावा किया है कि नेतृत्व पर अनिश्चितताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। उन्होंने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर वकालत की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्र बीजेपी के प्रगति की ओर से इशारा करता है, ये स्वीकार करते हुए कि युवाओं ने निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। पत्र बताता है कि कांग्रेस को बुनियादी रूप से समर्थन का घाटा हुआ है, युवाओं का विश्वास खोना गंभीर चिंता का विषय है। ये पत्र करीब 2 हफ्ते पहले भेजा गया था। पत्र के जरिए बड़े नेताओं ने एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व लाने की मांग की है, जो कि धरातल पर दिखे भी और सक्रिय भी रहे। साथ ही पार्टी के पुनरुद्धार के लिए सामूहिक रूप से संस्थागत नेतृत्व तंत्र की तत्काल स्थापना के लिए भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद भी पार्टी ने लगातार गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। CWC ने पार्टी सदस्यों के मार्गदर्शन को लेकर भी कोई बात नहीं की है। वही कांग्रेस की होने वाली बैठक को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि पार्टी के पदों में महत्वपूर्ण फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोरोना वायरस संकट जैसे कई मुद्दों पर भी बात की जा सकती है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने रविवार को पार्टी में निराशा और जुनून की कमी को बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी अपने पोस्ट में मेंशन किया है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी, संदीप दीक्षित समेत कई नेता अध्यक्ष पद को लेकर खुलकर बात रख चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।